हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। देखो, आज मैंने आधा किलो चिकन लेके आई। आज मैं बना रही हूँ चिकन टक्की। इसको बोलते हैं स्टार्टर, जो शादियों में बना जाता है ना, खाने से पहले देते स्टार्टर। तो मैं आपको आधा किलो का चिकन का बना के दिखा रही हूँ। उसको बोलते हैं कन टक्की। ये अहमदनगर में कन टक्की बोलते हैं इसको। तो इसमें मैंने डाला था आधा चम्मच गरम मसाला है। ये आधा चम्मच मैंने गरम मसाला डाला था, आधा चम्मच। फिर उसके बाद मैंने आधा चम्मच डाला जीरा पाउडर, आधा चम्मच नमक डाला। फिर इसमें डाला टेबल स्पून छोटा सा हल्दी और हरी मिर्ची पीसी हुई। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इसको स्मोक दिया थोड़ा। ये कोयले का स्मोक दिया था इसको। और इसमें ये डाली, अभी कश्मीरी मिर्ची भी डाली थी, सादी मिर्ची डाली, हरी मिर्ची डाली। कि मैंने इसको मैग्नेट के लिए रख दिया था, क्योंकि मैग्नेट करना था, इसके लिए मैंने वीडियो नहीं डाला। अभी मैं डाल रही हूँ, मैंने आपको ये पहले भी बताया था। इसको बोलते टिक्का मसाला। देखो, ये टिक्का मसाला होता है। अभी ये डाल रही हूँ मैं एक स्पून, आपको बता के डालती हूँ। देखिए, अपने अंदाज से भी डालना तो भी चलता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने के लिए डाल रही हूँ कि भाई इसमें आप दो चम्मच डाल दीजिए। अब इसको मैगनेट करना है इसे। अब इसको हमको फौरन मैगनेट करके, इसको लगा के भी रखा ना आपने तो भी चलता है, ठीक है? आपने लगा भी दिया ना तो इसको चलेगा। इसको बोलते हैं कंटक्की, शादियों में स्टार्टर जो देते हैं ना खाने के लिए पहले, बिरयानी से पहले, तो इसको बोलते हैं कंटक्की, ठीक है भाई? देखिए, इसके पहले मैंने डाला था खिचड़ा, आज डाल रही हूँ कंटक्की, चिकन कंटक्की। हाँ, देखिए, अभी मैं इसको ऑयल फिर, लेकिन सिर्फ आज मैं ओवन में बनाने जा रही हूँ, तो मैं सिर्फ इसको ऑयल ऐसे ब्रश से थोड़ा सा हल्का सा लगा देने वाली हूँ, ठीक है? आज ऑयल फ्री, मतलब तलने वाली नहीं हूँ, डायरेक्ट ओवन में लगाने वाली हूँ। अभी इसको 5 से 10 मिनट तक, पहले आप 5 मिनट रखिए, नहीं हो गया तो फिर आप फिर से उसको रख लेना, ठीक है? अभी मैं इसको ग्रिल पे, पहले टाइम लगाती, ग्रिल पे करना है, बंद करना है, इसको टाइम लगाती फिर अभी देर तक। अभी मैं इसमें जीरा डालती हूँ। मैंने बोला ना, चावल की तौर पे इसके अंदर मैं ढाबे वाले जैसे चावल बनाती हूँ, इसके लिए थोड़ा सा देखिए। थोड़ा सा घी डाला था, पूरी कड़िया इसकी जो जो चिकन टिक्का होता है ना, अगर हमने नहीं बनाया तो इसके साथ ऐसे चावल, क्योंकि हमने वो जो लंबे वाले चावल होते हैं ना वो नहीं बनाए, कि गोलम बनाए मैंने, इसको मैं अभी कढ़ाई में इसको ऐसे ढाबे वाले जैसे लुक दे रही हूँ इसको, देखो। और उसके साथ मैंने बिरयानी बना कंटक्की के साथ, ऐसा रहने तेरा। अरे, कंटक्की के साथ मैंने क्या बनाया, चिकन का ग्रेवी वाला सालन बनाया, ग्रेवी वाला सालन थोड़ा बनाया ना, तो देखो। हाँ, ऐसा ये ग्रेवी वाला सालन, अभी हम चावल पे डाल के खाओ, चपाती हो तो चपाती के साथ भी खा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था, बिलिस्ता लिया था मैंने, बिलिस्ता थोड़ा अदरक लहसुन, मतलब एक प्याज जैसे मैंने बिलिस्ता, मतलब छोटी एक वाटी बिलिस्ता लिया था। फिर छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और टोमेटो को थोड़ा सा पेस्ट करके डालिए इसमें, जब तक तेल नहीं छूटेगा तब तक उसको फ्राई करना चाहिए हल्का सा। और ये मैंने इसमें अलग से ग्रेवी वाला बनाया है, चिकन का सालन, ग्रेवी वाला सालन बन गया।
और इसके देखो तरी भी आना चाहिए। हम जब कश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं ना तो ऐसे ऐसे इसका तरी आ जाता है, तो खाने के लिए भी मज़ा आता है। ये मारने लगा है, देखती हूँ मैं। चावल फ्राई हो गए, चावल फ्राई हो गए ना पूरे अच्छे से। बस उसको अभी गैस को, उसको गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए, उसके ऊपर हरा धनिया डाल दीजिए और ऐसे कढ़ाई को ढककर रख दीजिए। जैसे भी खाने के लिए आए वैसे आप सर्व कीजिए, ठीक है। और दिखने को भी दिखता है ढाबे जैसा राइस कर देना। हाँ देखो गाइस, नज़दीक से ले, ये बन गया है कंटक्की। ये जो कंटक्की की प्लेट बन गई है, और उसके पास साथ ग्रेवी का सालन बन गया है, और उसके ऊपर ढाबे जैसे राइस। देखिए ये मेरी पूरी डिश तैयार हो गई। ये कंटक्की बोलते हैं, स्टार्टर शादियों में बनता है, इसको बोलते हैं स्टार्टर, ठीक है।